वेलकम टू ट्रेड फेयर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट रेशु त्यागी और मैं हूं पंकज पांडे। तो इस बार ट्रेड फेयर में क्या कुछ है आपके लिए खास, क्या कुछ है चटपटा, क्या कुछ है जायकेदार, सैर कराते हैं आपको इस चटपटे बाजार की। तो आइए चलते हैं उस चटपटे बाजार की। और ट्रेड फेयर के चटपटे बाजार में सबसे पहले हम पहुंचे राजस्थान के स्टॉल में। क्या कुछ खास है स्टॉल में पिछली बार के मुकाबले, हम खुद जानना चाहेंगे स्टॉल में मौजूद भंवर लाल जी से। इस बार स्टॉल में दर्शकों के लिए आप कुछ खास व्यंजन क्या लेकर आए जो पिछली बार नहीं थे? हम सर राजस्थानी थाली लेके आए, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, मिश्री रोटी, खेर सांगरी सब्जी, घट्टा की सब्जी, कड़ी राइस है, घट्टा राइस है, मिर्ची बड़ा जोधपुरी, प्याज कचौरी, मूंग दाल कचौरी, मावा कचौरी, मूंग दाल हलवा है, केसरिया कुल्हड़ चाय है। बिल्कुल, राजस्थान के स्टॉल में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन अब हम आगे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये व्यंजन वास्तव में खाने में कैसे लग रहे हैं और लोगों को कितने अच्छे लग रहे हैं। जी भंवर जी, जिस तरह से अगर यहाँ पर रेट की बात की जाए तो जो पिछली बार की जो आपकी रेट थी और इस बार की जो रेट है उसमें भी क्या कुछ अंतर हुआ है? कुछ अंतर नहीं है। अच्छा, इस बार जो आपने व्यंजन बनाया है इसमें सबसे ज़्यादा जो दर्शक हैं हमारे वो जानना चाहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि हम घर बैठे दर्शकों को बता रहे हैं क्या कुछ इस बार राजस्थान में खास बना है, तो वो बताइए इस बार सबसे अच्छा व्यंजन आपके यहाँ पर राजस्थानी थाली होती सबसे टेस्टी सबसे स्वाद, उसी के लोग जैसे स्वाद उन्हें राजस्थान थाली का ही ज़्यादा ले रहे हैं, दाल बाटी हुई इनका ज़्यादा खा रहे हो ये चीज़ें। और जी हाँ, सामने में देख रही हूँ कुछ शायद लड्डू टाइप में रखा है, किस चीज़ का लड्डू? ये चूरमा का लड्डू है, बहुत टेस्टी होता है। चेक करना चाहेंगे हम लोग, ये देसी घी का होता है। हम आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे भंवर लाल जी से आखिर इन्होंने बनाया कैसे और कितनी मेहनत लगती है इस लड्डू को बनाने में। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि हमने लड्डू खा तो लिया लेकिन जो मेहनत लगती है आखिर किस तरह से इतनी मेहनत से लड्डू बनाए जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए, तो चूरमा के लड्डू तो बन गए हैं लेकिन इस लड्डू को बनाने में क्या क्या लगता है, रेसिपी क्या है, हम जानेंगे स्टॉल के कुछ संचालक है बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, चूरमा के लड्डू को बनाने में आपकी रेसिपी क्या, चूरमा के लड्डू की रेसिपी क्या? रेसिपी ऐसा है जी, कहना पहले कहना आटा लगाना पड़ता है, इसके माने अपना घी के माने और पानी के माने और दूध के माने, फिर उनके कहना घी के माने मूठड़ी बना के सिकाई करनी पड़ती है, फिर उन कूटना पड़ता है, कूटने के बाद के माने चीनी का बूरा ये का नाम घी और बादाम काजू पीस के डालते हैं, फिर इसको बनाया जाता है वापस। बात चूरमा के लड्डू के रेट की करें तो बाजार में किस रेट पर मिलते हैं चूरमा के लड्डू? बाजार में सर नहीं मिलते क्योंकि ना राजस्थान का होता है, वही कहना हम जयपुर से आते तो वही वहाँ से बन के यही बनाते हैं, आते वैसे बाजार में नहीं मिलते हर जगह पर। राजस्थान के स्टॉल में एक और खास बात आपको देखने को मिली है, चूरमा के लड्डू यहाँ पर मिल तो जा रहे हैं लेकिन बाजार में नहीं मिलते क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान में बनाए जाते हैं और खास ओकेजन पे खास त्यौहार के खास मौसम पर ही इन लड्डुओं को बनाया जाता है। राजस्थान के बाद हम आप पहुंचे उत्तराखंड के फूड कोर्ट में और यहाँ पर उत्तराखंड के फूड कोर्ट में क्या कुछ मिल रहा है खास ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऋषि जी जो कि संचालक है इस फूड कोर्ट के, क्या खास है उत्तराखंड के इस स्टॉल पर? उत्तराखंड का स्पेशली हमारे पास उत्तराखंड की थाली है जिसमें कि हम मंडवे की रोटी देते हैं, ये देखिए, और पहाड़ी आलू की सब्जी है, ठीक है, गैस की दाल है जिसको यहाँ पर नॉर्मली लोग कुलत की दाल भी बोलते हैं, और झिंगोरे की खीर है, साथ में तिल की चटनी भी हम देते हैं। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि झिंगोरा चावल आपको कहीं भी नीचे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उत्तराखंड में होता है। पहाड़ी आलू ऑब्वियसली वहीं पर है और झिंगोर मंडवे की रोटी भी, मंडवा जो है एक दाल होती है जिसके हम पीस के उसका आटा करके उसकी रोटी बनाते हैं, तो ये सारा कुछ स्पेशली सिर्फ उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड की ये थाली आप देख पा रहे हैं जिसमें कि मंडवे की रोटी भी है। यहाँ थाली देख के पंकज मुझसे रुका नहीं गया और मैं खाने के लिए भी आ गई हूँ, मैं जरा चख के देखती हूँ। वाकई उत्तराखंड स्पेशल है, बहुत ही लजीज है ये। मेन चीज की बनता कैसे है ऋषि जी ये भी हम देखना चाहेंगे। आपको हमारे किचन में आना पड़ेगा मेरे साथ, पीछे हम कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं, आइए प्लीज।
झंगोला झंगोरा ओके ओके झंगोरा झंगोरा उससे हमने खीर बनाई है पहाड़ी आलू की सब्जी है तिल और भट की चटनी है तिल और भट सोयाबीन को भट कहते हैं ओके ये थाली है हमारी उत्तराखंड की राइस है देहरादून के बासमती क्योंकि फेमस है देहरादून में वो राइस है हमारे पास ये हमने एक पूरी थाली बनाई है उत्तराखंड की कितना टाइम इसको बनाने में आपको लग जाता है कितनी मेहनत आपको लगती है क्योंकि जिस तरह से मैं दाल देख रही हूँ तो शायद इसको पीसना भी पड़ता होगा इसमें हमें कम से कम वैसे तो सुबह हम पूरा मीडिया प्लस तैयार कर लेते हैं और पूरी प्रिपरेशन के लिए हमें 10 या 15 मिनट यहाँ पे थाली बनाने में अच्छा अगर बात की जाए पिछली बार की और इस बार की क्या पिछली बार भी आपका स्टॉल यहाँ पर ट्रेड फेयर में लगा था पिछली बार तो हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज दिया था उत्तराखंड फूड स्टॉल को फर्स्ट प्राइज मिला था पिछली बार चलिए हम तो यही दुआ करेंगे कि इस बार भी आपको फर्स्ट प्राइज ही मिले थैंक यू सो मच इंडियन फूड कोर्ट के बाद हम लोग पहुंचे हैं पाकिस्तान फूड कोर्ट में और जैसे कि पंकज तुम जानते हो कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं नॉनवेज से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है तो जो दर्शक हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन हैं उनको जो स्वाद चखाना है वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है बिल्कुल रेशु दर्शकों को अब मैं स्वाद चखाऊंगा इंडियन फूड्स के बाद पाकिस्तानी फूड कोर्ट में और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ फूड कोर्ट जो है पाकिस्तान का उसके जो संचालक हैं शाहिद गुंडू खान जी मौजूद हैं शाहिद जी पाकिस्तानी फूड कोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि पाकिस्तान के तमाम जो व्यंजन हैं वो भारतीय यहाँ पे ले सकेंगे लेकिन वो कौन से खास व्यंजन हैं खास से फूड्स हैं जो यहाँ के लोगों को इस कोर्ट पर मिलने को देखने को मिल रहा है मतलब मैं तकरीबन 8-9 साल से ITP में आ रहा हूँ मुझे आप लोगों का प्यार यहाँ खींच के लेके आता है और मेरी पूरी एक चैन है गुंडू खान के नाम से जो पाकिस्तान में सारी ब्रांचेज हैं इसके अलावा लंदन में है दुबई वगैरह में मेरी ब्रांचेज है मगर आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फूड अपनी जगह में मगर इंडियंस का प्यार जो है वो हमें खींच के लेके आता है और मेरे फूड के अंदर मलाई बोटी है मटन बिहारी है मटन बिरयानी है मटन कोरमा है मटन कढ़ाई है ये सारे वो आइटम है जो बहुत स्वाद देते हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो उनको मज़ा आता है बिहारी बोटी के अंदर जो इतनी सॉफ्ट होती है कि एक ज़यीफ आदमी बड़ा आदमी भी होंठों पे रखे तो उसको चबा लेगा वो इतनी सॉफ्ट होती है कितना बड़ा स्वाद है और सबसे बड़ा जो मेरे पास सूजी और दूध का हलवा जो दूध में बना हुआ है स्वीट के अंदर बड़ा लाइक करते हैं लोग इसी वजह से मैं आप लोगों को प्यार की वजह से आता हूँ फूड तो एक अपनी जगह में सिर्फ ये आप लोगों से मिलने का बहाना होता है हर साल हमारा की हलवे के बारे में तो ठीक है हम दर्शकों को बताएंगे इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो वेज के साथ नॉन वेज यहाँ पर क्या कुछ बनता है वो भी हमारे दर्शकों को हलवा होता है सूजी का दूध का और उसके साथ में पराठा होता है और मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा मैं आपको टेस्ट कराना चाहूँगा अपने हाथ से कराना चाहूँगा ताकि आपको मेरा स्वाद पता चलेगा क्या है तो इस वक्त शाहिद भाई हमारे साथ हैं जो कि संचालन करें इस पाकिस्तान फूड कोर्ट का और पिछले 7-8 साल से ITPO में आ रहे हैं बताया इन्होंने कि लोग आमतौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान फूड कोर्ट में सिर्फ नॉनवेज आइटम्स या नॉनवेज फूड से मिलेंगे लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पर वेजिटेरियन फूड से मिलते हैं खास तौर से हलवा जो कि अपने हाथ में इन्होंने ले रखा है और अपने हाथों से ये मेरे सहयोगी रेशु त्यागी को चखाना भी चाहते हैं मैं अपने इंडियन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा आए हमारे पास हमारा टेस्ट चेक करें ताकि हमारा उनके साथ प्यार बढ़ सके और इसी प्यार की नस्बत में मालूम है इस रेशो को अपने हाथ सलवा खिलाना चाहता हूं ताकि इंडिया और पाकिस्तान की मोहब्बत आपस में बढ़ना शुरू हो जाए और बढ़ती रहे और यही इसी तरह मैं अपने भाई को भी खिलाना चाहूँगा ताकि उनको भी हमारा प्यार और मोहब्बत का स्वाद मिल सके बहुत अच्छा और टेस्टी हलवा रेशु कैसा लगा ये हलवा बहुत ही टेस्टी है और मैं तो यही चाहती हूँ ये दुआ करती हूँ भगवान से अल्लाह से कि जैसे ये मीठा हलवा है वैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी मैं भी अल्लाह भगवान से यही दुआ करता हूँ जिस तरह ये हलवा मीठा है इसी तरह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मिठास पैदा हो क्योंकि हमारी जन्मभूमि जो हमारे बुजुर्ग यहाँ से गए हिंदुस्तान से गए और यही मिट्टी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेम मिट्टी है मालूम इसी तरह हमारा प्यार बढ़ता रहे अल्लाह और भगवान इसी तरह हमारे प्यार को बढ़ाता रहे बिल्कुल ITPO यानी ट्रेड फेयर में मौजूद कई स्टॉल का हम दर्शन आपको कराएंगे दिखाएंगे कि वहां पर आके दर्शकों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है लेकिन
पाकिस्तान फूड कोर्ट में आकर कम से कम ये तो जरूर पता चला कि आज जो मिठास हमारे दिलों में है, जो सदियों से चली आ रही थी, वो आज भी मौजूद है, बरकरार है। पाकिस्तान फूड कोर्ट के तौर पे ये खाने के तौर पर हाथ में आता है और ये प्यार हम सभी लोगों की जवाब पर चढ़ता जा रहा है। शाहिद भाई की भी यही दुआ है। सादा न्यूज की तरफ से उन्होंने तमाम दर्शकों के मैसेज देने की कोशिश की है कि जो मिठास हमारे हलवे में है, जो हलवा हमने हमें खिलाया उन्होंने, वो मिठास सबके जबान पर हो, दोनों देशों के संबंधों पर भी मौजूद हो। हलवा जो पाकिस्तानी इंस्टॉल पे मिला है बहुत ही अच्छा है। हाय, दिस इज द कबाब वेयर आई हैव केम 2 to 3 टाइम्स इन अ ट्रेड फेयर इन अ ईयर। ऑसम कबाब्स। पाकिस्तान का फूड वाज इक्वली टेस्टी एज द इंडियन फूड, क्योंकि शम्मी कबाब उन्होंने खिलाया और परी भी सेम टेस्ट है। सर, आई लव फूड, आई एम अ फूड टेस्टर।